नमः शिवाय। आज 10 फरवरी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र आज लगभग शाम 8 बजे तक चलता रहेगा, इसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक हर काम में तत्पर, अध्ययनशील, तर्कशास्त्री, हास्यप्रिय, वाक्पटु और अस्पष्टवादी विचारधारा के होते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानी, मित्रों के सहयोगी और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो पूर्ण सफल होंगे। इनकी भी 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में शांति करानी पड़ेगी। मेष राशि के लिए आज दिन में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें एलर्जी की समस्या या त्वचा से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत की गति थोड़ी धीमी रहेगी, कार्य क्षमता प्रभावित होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, धार्मिक भावना में थोड़ी कमी आएगी, पारिवारिक व संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। वृष राशि के लिए आज दिन भर उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी मेहनत का प्रतिफल आपके मन मुताबिक मिलेगा। आप किसी समारोह में शामिल होने या सम्मिलित होने का आपका योग बना हुआ है। आर्थिक उन्नति में मित्र बंधुओं का सहयोग बना रहेगा। शाम के बाद हड्डी संबंधी तकलीफ बढ़ सकती है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। ससुराल पक्ष से मांगलिक उत्सव में खर्च की स्थिति आज बनी हुई है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उतार चढ़ाव आज बना रहेगा। कमर में जकड़न और एलर्जी से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। ननिहाल पक्ष से चिंताजनक स्थिति या दुखद समाचार आ सकता है। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। व्यावसायिक पक्ष की उन्नति से संबंधित कुछ नई जानकारियां हासिल होंगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत विशेष है। हर काम बहुत ही आसानी से संपन्न होगा। दिन भर आपकी ऊर्जा और सक्रियता बढ़ी हुई रहेगी। रचनात्मक कार्यों में सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक उन्नति का योग चल रहा है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत अनुकूल है। माँ के स्वास्थ्य में चली आ रही दिक्कतें कम होंगी। विरोधी पक्ष अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य करने की ऊर्जा की दर प्रभावित हो रही है। आप पूरे प्रयास के साथ काम करना चाहते हैं, परंतु शनि के 5वें घर में बैठे होने की वजह से बार बार आपके प्रयास करने की गति धीमी हो जाती है। अपने मनोबल को कम ना करें और प्रयास जारी रखें। हर काम संपन्न होंगे। शीघ्र ही आप स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार महसूस करेंगे। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। विरोधियों से सावधान रहें, साजिश के शिकार हो सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज दिन भर का समय अनुकूल रहेगा। अपने स्वास्थ्य को उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आर्थिक उन्नति के अतिरिक्त स्रोत मिल सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में सहयोग मिलेगा। अपने प्रयास जारी रखें। बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। पारिवारिक उत्सव या सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। रात में पेट संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए भोजन हल्का करें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आपकी सक्रियता और कार्य ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी। आपके प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है।
व्यवसाय के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शाम तक पारिवारिक तनाव की स्थिति थोड़ी बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। मानसिक तनाव का दौर आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा। दिमाग से नकारात्मक विचारों को दूर रखें, आस्थावादी विचारधारा रखते हुए अपने काम को संपादित करें, आपके प्रयास सार्थक होंगे। शाम को पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है। मानसिक रूप से स्थिर होकर निर्णय लें, सफल रहेंगे। धनु राशि वाले जातकों के पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में खर्च की स्थिति बनी हुई है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेगा। काम करने में सक्रियता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आपको लाभ मिलेगा। भविष्य की योजनाओं में निवेश करने का योग बना हुआ है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक उन्नति का योग चल रहा है। यदि व्यावसायिक विकास के लिए योजनाएं बना रखे हैं तो उन्हें कार्य रूप में परिवर्तित करें, अच्छा लाभ मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहें, क्योंकि आपकी राशि पर केतु पहले से ही चले आ रहे हैं, जो कि हड्डी संबंधी व त्वचा संबंधी विकार पैदा कर सकते हैं। इसलिए अपने खान पान में दूध और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा लेते रहें, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्यवश व्यावसायिक सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। सिर्फ जरूरत है आपके सार्थक निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने की। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए काम को संपादित करें, हर तरफ से अनुकूलता मिलेगी। अभी कुछ दिन संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी और पारिवारिक दायित्व की आज पूर्ति होगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। मन में उठ रहे विचारों के नकारात्मक पहलू को किनारे रखें, क्योंकि आपकी सक्रियता का संबंध चंद्रमा से है। जब जब चंद्रमा कमजोर होंगे तो आपकी सक्रियता प्रभावित होगी और उत्साहहीनता की स्थिति सामने आएगी। आर्थिक व व्यावसायिक सहयोग बना हुआ है। धार्मिक भावना बलवती रहेगी, मगर संतान संबंधी चिंता अभी बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें और गिलास में पानी उतना ही लें जितना आप पूरा खत्म कर पाएं। पानी का अव्यय ना होने दें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।